गन्ना विकास परिषद गुलरिया का ग्राम है गिरदा गौड़ी, और ये आधार पौधशाला है, शरदकालीन आधार पौधशाला। चीनी मिल प्रक्षेत्र पीलीभीत से उन्नतशील गन्ना प्रजाति CO0118 का गन्ना बीज आया था। हमारे साथ में सर्किल के गन्ना परीक्षक श्री गणेशी लाल जी और हमारे किसान बंधु जी हैं, श्री गुरदीप सिंह जी के घर से हैं, गुरदीप सिंह जी का एक खेत है। तो गणेशी लाल जी, ये बीज कहाँ, पीलीभीत से आया था, जी चीनी मिल जी प्रक्षेत्र सर से? जी, चीनी मिल प्रक्षेत्र से आया था कितना और बीज दिए थे यहाँ पे? ये 22 क्विंटल बीज था सर। 22 क्विंटल जी CO0118 का बीज दिए थे गुरदीप सिंह जी को। जी जी ये आधार पौशाला आपकी स्थापित हुई है, जी सर तो जमाव तो बेहतरीन हुआ है। कब जी, बुआई हुई थी इसकी? इसकी करीब 5 दिसंबर के आसपास, 5 दिसंबर को एक लगभग दिसंबर बुआई में हुई बीज थी, कट के आया था, 2-3 दिन वैसे क्योंकि ही उधर चल गए बारिश थे। हुई थी, लेट बीज आया जी है, जी लेकिन सर फिर भी जमाव आपका अच्छा हो गया है। ठीक, जी अच्छा जमाव, बेहतरीन है। तो हमारे साथ में प्रगतिशील कृषक भी हैं, बात करते हैं। भैया गुरदीप जी, ये बुआई आप दिसंबर में किए थे, हाँ तो जी सर, 5 तारीख को किए थे। 5 दिसंबर में बुआई हुई हाँ थी, जी, 15 और ये साथ में 118 इधर दूसरी प्रजाति भी आपके साथ में है, 0 23 पंद्रह सर। जीरो 23 भी साथ में बुआई हुई है। प्रगतिशील कृषक हैं, दिसंबर में बुआई करने के बाद भी अच्छा जर्मिनेशन कर लिया, तो क्या तकनीक अपनाई कि जमाव हो गया दिसंबर में, सर ठंडी शुरू होने के काफ़ी बाद भी? सल्फर वगैरह और इसमें डाला गया अच्छा और बढ़िया ऊंचा खेत है, कोई दिक्कत नहीं आई। जमा हो गया, हाँ जी ठीक से बढ़िया। आ हाँ जी गया हाँ है। जी तो हाँ जी हाँ जी इसमें बुआई के साथ में हाँ जी कितनी उर्वरकों का प्रयोग किया गया? सर, सल्फर डाली और अपनी डाली, ये क्या करें, थाइफेनिड मिथाइल वगैरह, अच्छा, फंगिसाइड ट्रीट वगैरह करके सब कुछ बोया गया ट्रीट था। करके बोया था जी इसको। जी जी और इसमें कुछ अलग दिख रहा है, उससे कुछ आपने अलग काम किया है इसमें? सर इसमें ना गन्ना वाला रूटावेटर है वो अच्छा, चलाया है। ये गुड़ाई के लिए? हाँ जी हाँ जी सर, उसमें भी चलाएंगे, उसमें अच्छा, कल कल उसमें या भी आज चलाई चलेगा। होनी, तो हाँ जी हाँ ये रोटावेटर तो बहुत बेहतरीन काम कर जी रहा है सर, आपका, पूरी मेड़ों की जुताई गुड़ाई और गुडाई, मिट्टी लेबर का बराबर कोई करना एक काम साथ नहीं कम कर इसमें, दिया। पहली बार ही रूटावेटर से अच्छा, गुड़ा, कोई लेबर नहीं, नहीं गुड़ा, कोई यानी कुछ नहीं कर पूरा रहे। माइंडलेस हो गया, हाँ कोई बिल्कुल आदमी सर, काम इसमें नहीं है। तो ये तकनीक तो हमें लगता है खरपतवार प्रबंधन में बहुत बेहतरीन इसका योगदान बिल्कुल है, सर, और गन्ने के लिए भी इतनी मिट्टी पोरी कर देती है, पोरस कर देती है कि ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। बढ़िया तो होगी। ये छोटा छोटा रोटावेटर कितने, 2 टुकड़े का, 3 टुकड़े का? दो टुकड़े का भी है, जे ट्रंच वाला 2 टुकड़े का, और वो अच्छा, उधर वाला ट्रेंच वो में दो तीन। टुकड़े हैं, हर हाँ लाइन में जी एक चल जाता है, हाँ, दो दो बार एक ट्रैक्टर जाएगा, दो 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 कुंट अच्छा, जाएंगे, दो लाइन कवर दो करता, लाइन दो जाएंगे मेड़े, और उसमें 3 लाइन जाएंगी। तो ये एक एक घंटे में कितना एकड़ देता है गुड़ाई? एक एक घंटे में एक ही एकड़ करता है, 1 घंटे में एक एक एकड़, एकड़? हाँ सर, अरे बहुत टाइम सही। लगता है सर वो, क्योंकि नहीं, तब भी 1 एकड़ भी हाँ ठीक जी है, आप ठीक एक है, एकड़ की अगर गुड़ाई बहुत कराओगे तो कितना पैसा लगेगा, पैसा लग जाएगा, और गुड़ाई में ऐसा खेत तो बना ही नहीं बनेगा सकती, नहीं लेबर कभी नहीं बिल्कुल कर सर। सकती है। तो ये तो किसान भाइयों के लिए वरदान है। अच्छा, रोटावेटर कीमत क्या है? सर 1,35,000 रुपये कीमत है। 1,35,000 है? तो ये तो बहुत ट्रेंच वाले खेतों के लिए तो बहुत बेहतरीन बढ़िया है, बहुत अच्छी गुड़ाई हो रही है इसमें, आप देख रहे हैं, बिल्कुल खेत को बराबर कर दिया है, बिल्कुल मिट्टी इतनी भुरभुरी, जैसे रोटावेटर जुताई करता है वैसे इसने इतनी मिट्टी भुरभुरी कर दी है और पूरा बराबर कर दिया, हाँ, पर साथ में प्लेन पटेवा बिल्कुल भी लग गया, साथ में पटेला भी। जी। तो ये बहुत अच्छा है, किसान भाई इसको भी कर सकते हैं, खरपतवार प्रबंधन में बहुत बेहतरीन काम करेगा, गन्ने ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो अच्छा है भैया गुरदीप जी, धन्यवाद।